हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो हैप्पी करवा चौथ माय ऑल यूट्यूब फैमिली। तो बहुत लंबे टाइम के बाद मैं अपना ये ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, इसकी वजह से मैं अपना ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। और आज दिन है बुधवार और 1 तारीख है, जो कि आज मैं बता रही हूँ आपको करवा चौथ है, और मेरी फास्टिंग भी है आज। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेहंदी कैसा लगा है बताओ, अच्छी लग रही है ना? बहुत ज़्यादा भर के नहीं लगाई हूँ, मतलब लगाई नहीं हूँ, मैं खुद से नहीं लगाई हूँ, लगवाई हूँ। और पैर में तो मैं खुद से लगाई हूँ, आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, मतलब हल्के। मुझे बहुत अच्छे से मेहंदी लगाने नहीं आता है, जो भी नॉर्मल वाले आते हैं या तो मैं गोल वाले बना के रख लूँगी, और नहीं तो अगर मैं डिजाइन बनाऊँगी तो थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं, मेरे से मेहंदी परफेक्ट नहीं बन पाता है। तो रुकी, आपको पैर वाला मैं दिखाती हूँ, जो कि मैं लगाई हूँ पैर वाले। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, पैर वाली मेहंदी मैं खुद से लगाई हूँ, और अभी मैं कलर नहीं की हूँ, अभी मुझे नेल पेंट लगाना है। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, हाथ के नाखून और पैर के नाखून, और ये महावर भी लगाने हैं मुझे। तो ये दोनों पैर में से मैं ही लगाई हूँ, बहुत अच्छे तो नहीं लगे हैं, बट ठीक है, काम चलाने लग तो सही है। सुबह मैं 4 बजे उठी थी, साढ़े तीन बजे उठी थी, और उठ के सरगी खाना होता है, तो सरगी में मैं बहुत मतलब जैसे कि ऑयली कुछ बना के नहीं खाती हूँ, वही मीठा खा लेती हूँ। तो मीठे में मैं काजू कतली खाई थी और एक मिठाई खाई थी, पता नहीं उस मिठाई का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कौन सी मिठाई थी, और बस 1 कप चाय पी हूँ। पानी भी नहीं पीना होता है, लेकिन समझ में नहीं आता है, क्योंकि अभी थोड़ी सी ठंडी स्टार्ट हो गई है ना, तो इसलिए समझ में नहीं आता है। 30 के टाइम थोड़ी सी मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत है, तो अच्छा लग रहा है। और ठीक है, आगे आगे जो कुछ भी होता है मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर में आप लोगों से। हेलो गाइस, तो शाम का टाइम हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ नहाने, सो गई थी मैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स कैसा हालत हो गया है, पानी पीना बहुत समझ में आ रहा है, यहाँ पे गला एकदम सूख रहा है। भूख तो नहीं लगा है, बस प्यास लगी है। और खाने का भी तैयारी मैं कर ली हूँ, कुछ कुछ चीज़ें बना दी हूँ और कुछ कुछ चीज़ें बाद में बनाऊँगी, जैसे कि हो गया मेरा दाल भरी हुई पूड़ी, तो पूड़ी मैं बाद में बनाऊँगी और आप लोगों को एक बार मैं दिखा देती हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मीठे में बनाई हूँ खीर, क्योंकि खीर बनता है, और ये दाल भरी पूड़ी है, जो कि मैं इसको सेक सेक के रखी हुई हूँ। खाने के टाइम इसे मैं छान लूँगी फटाफट से, और गर्म भी रहेंगे, ऐसे छान के रख दूँगी तो ठंडे हो जाएंगे खाने के टाइम। और यहाँ पे बनाई हूँ मैं पनीर की सब्जी, और यहाँ पकौड़ी रेडी करके रखी हुई हूँ, मसाले वसाले सब रेडी हैं, बस खाने के 10 मिनट पहले मैं छानना स्टार्ट कर दूँगी पकौड़ी और ये दाल भरी पूड़ी। और थोड़ा सा मैं बनाऊँगी चावल, जो कि चावल भी मैं 10 मिनट पहले ही रखूँगी, क्योंकि वो ठंडा हो जाएंगे, ठंडी का दिन है, तो ठंडे हो जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। सो इसलिए मैं अभी मतलब कि कुछ तैयारी वारी करके अभी जाऊँगी, मैं नहाऊँगी फिर रेडी होंगी, उसके बाद मैं आऊँगी तो चावल रख दूँगी। और पूजा की भी तैयारी मतलब सब कुछ अच्छे से रख दी हूँ, चौकी वौकी लगा दी हूँ, मैं आप लोग को एक बार दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया है, सब कुछ सजा के रख दी हूँ, और बस आऊँगी नहा के, उसके बाद पूजा पाठ करूँगी। तो चलिए फटाक से नहा लेते हैं। तो यहाँ सब कुछ रेडी करके मैं आ गई थी यहाँ पे मेकअप करने, तो देख सकते हैं मैं फटाफट से अपने मेकअप कर। हे गाइस, तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, और कैसी लग रही हूँ मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो मेकअप करके सीधे आ गई थी मैं यहाँ पूजा करने, और देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। करवा माता का पूजा होता है, और भोलेनाथ और पार्वती जी का,
तो यहाँ पे मैं बैठ के पूजा कर रही हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे खुद से ही मैं अपना कथा वथा कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ तो कोई मिलता नहीं है। और पूजा करने के बाद कुछ इस तरीके का लगता है, मतलब कहीं भी पूजा करो ना तो कितनी रौनक आ जाती है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स पूजा उजा हो गया है मेरा और आज मेरे पति का क्या बर्थडे है, बर्थडे बर्थडे नहीं है, इनको जाना है इमरजेंसी में, अभी बनारस निकलना है अभी फटाफट से, तो क्या कर सकते हैं, काम है तो काम तो करना ही पड़ेगा। और बाकी मैं कैसे लग रही हूँ? हमेशा की तरह बहुत सही है। सोनो चांद कब निकलेगा बताओ? निकल रहा है बोले हैं 5 मिनट निकल रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए हैं छत पे और कुछ इस तरीके का नज़ारा है छत का, और मैं वेट कर रही हूँ चांद निकलने का। देखिए सब अपने अपने छत पे बैठे हुए हैं, कब जल्दी से चांद निकले और हम लोग अपना पानी वानी पिए। कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा है अंधेरा। गाइस तो पूजा पाठ हो गया है हम लोगों का और यहाँ आ गए हैं हम पूरी बनाने। तो फ्रेंड्स मेरा करवा चौथ का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।